इस वेले की वड्डी खबर लुधियाना तो जिथे मंत्री आशू की कोठी का घराव किया गया सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी की मंग नूं लैके अकाली दल दे वल्लों इत्थे जबरदस्त हंगामा किया गया है। पुलिस भी भारी गिणती च इत्थे मौजूद है। वड्डी गिणती च अकाली दल दे लीडर अते वर्कर इत्थे पहुंचे हुए ने। दस दी कि कुछ दिन पहला बैंस के उपर रेप मामले दे विच FIR दर्ज हो चुकी है। उसके बाद गिरफ्तारी की मंग के उपर विरोधी अड़े हुए ने। अकाली दल दे वल्लों अज मंत्री आशू की कोठी के बाहर जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। पुलिस के नाल बहस भी हुई है। बैरीकेड तोड़न की कोशिश करके अगे वधन की जो कोशिश है वह भी की गई है। इस दौरान जो तस्वीर ने उतों लाइव सामने आ रही ने, जबरदस्त हंगामा मंत्री आशू की कोठी के बाहर अकाली दल के वलों किया जा रहा है, जिदे चलते पुलिस ने अकाली लीडर हिरासत के भी लै लिया। लाइव तस्वीर लुधियाना तो तुसी देख पा रहे हो जिथे इस वेले जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कैबिनेट मंत्री पार्थ भूषण आशू की कोठी का घराव अकाली दल के लीडर के वलों किया गया है। भारी गिणती दे विच अकाली वर्कर इत्थे मौजूद ने। लाइव तस्वीर ये लुधियाना तो सामने आ रही ने जिथे जबरदस्त हंगामा किया गया है। हंगामे के चलद्या जो अकाली दल के नेता ने उन्होंने पुलिस ने हिरासत के लै लिया। बस के बिठा के उन्होंने इतों ले जाया जा रहा है। रणजीत ढिल्लों ने लुधियाना शहरी के प्रधान
बैरीकेटेड तो टप्पण की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने रणजीत ढिल्लों फड़िया होया, तुसीं देख सकते हो तस्वीर। ये रणजीत ढिल्लों जिहड़े शहरी प्रधान ने श्रोमणी अकाली दल दे, बैरीकेटेड तो उपर टप के आशू के घर के वल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस जिहड़ी है उन्हें रोक रही है। और जदोजहद श्रोमणी अकाली दल के वर्कर पूरी तरह कर रहे हैं, एक बार फिर यूथ अकाली दल के वर्कर बैरीकेटेड तक पहुंचे ने। हुण हीरा सिंह गाबड़िया नज़र नहीं आ रहे, मनप्रीत याली भी स्वाती मौके पर पहुंच चुके हैं। मनप्रीत याली तुम देख सकते हो तस्वीर, मनप्रीत याली, दर्शन सिंह शिवालिक, हौली हौली पूरी सीनियर लीडरशिप जिहड़ी है। महेश इंदर सिंह गरेवाल भी देख सकते हो तुम तस्वीर, महेश इंदर सिंह गरेवाल भी मौके पर पहुंच चुके हैं। और पूरी जद्दोजहद की जा रही है कि भारत भूषण आशू का घर का घेराव किया जाए। भारत भूषण आशू कैबिनेट मंत्री जोड़े सिमरजीत सिंह बैंस का साथ दे रहे ने। तख्तियां ते लिखिया धियां की इज्जत लुटन वालों जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए। बलात्कार का यार आशू मुर्दाबाद, यहोजिया तख्तियां के स्लोगन लिखे गए ने। भारत भूषण आशू कैबिनेट मंत्री सीधे सीधे ये नारियां दे विच आवाज आ रही है कि भारत भूषण आशू सिमरजीत सिंह बैंस का साथ दे रहे हैं। भारत भूषण आशू हमेशा विवादा विच रहे ने, चाहे वो कई तरह के भारत भूषण आशू से पहले भी दोष लगे ने, चाहे वह अतवादी का दोष होवे, क्योंकि पहले विरोधी पार्टियां ने भारत भूषण आशू से कई तरह के दोष लाए हुए ने। हुण फिर एक बार भारत भूषण आशू के सिमरजीत सिंह बैंस का साथ देने के दोष लग रहे हैं। इस करके सिमरजीत सिंह बैंस की जिहड़ी है वह गिरफ्तारी नहीं हो रही। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि जल्द तो जल्द भारत भूषण आशू जिहड़ा है वह साथ ना दे तो सिमरजीत सिंह बैंस की जिहड़ी है वह गिरफ्तारी होवे। शरणजीत सिंह ढिल्लों मौके पर पहुंचे ने। शरणजीत सिंह ढिल्लों, महेश इंदर सिंह गरेवाल, मनप्रीत सिंह अयाली, हीरा सिंह गाबड़िया, जिनी सीनियर अकाली लीडरशिप है हुण वो पूरी तरह बैरीकेटेड के कोल पहुँच चुकी है। और महेश इंदर सिंह गरेवाल भी तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, मनप्रीत अयाली नज़र आ रहे हैं, शरणजीत सिंह ढिल्लों नज़र आ रहे हैं, हीरा सिंह गाबड़िया थोड़ी देर पहले काफ़ी जदोजहद जड़ा है वह बैरीकेटेड तो टप के आशू के घर वल जाने की कोशिश की गई, पर पुलिस ने धक्का मुक्की करके हीरा सिंह गाबड़िया बाहर लै गए। पर हुण एक बार फिर सीनियर लीडरशिप जिहड़ी है वह बैरीकेटेड जिहड़ा है वह तोड़न की कोशिश की जा रही है। तुम देख सकते हो हल्का जिहा लाठी चार्ज भी किया जा रहा। भारी गिनती दे विच ये इकट्ठ श्रोमणी अकाली दल का भारत भूषण आशू के घर के बाहर थोड़ी दूर देखने मिल रहा, घर के बाहर बैरीकेटेड लाए गए ने। और मंग की जा रही है कि सिमरजीत सिंह बैंस की जल्द तो जल्द गिरफ्तारी होवे, मामला चाहे दर्ज कर लिया। काफ़ी जद्दोजहद तो बाद श्रोमणी अकाली दल पिछले कई महीनों तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धरने प्रदर्शन दे के सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ हुण मामला दर्ज हो गया, पर हुण गिरफ्तारी होनी बाकी है। उस लैके श्रोमणी अकाली दल मनप्रीत सिंह अयाली अयाली इस भीड़ तो बाहर जा रहे ने। शरणजीत सिंह ढिल्लों, रणजीत ढिल्लों, महेश इंदर सिंह गरेवाल बैरीकेटेड के कोल खड़े ने। तुम देख सकते हो महेश इंदर सिंह गरेवाल बैरीकेटेड के कोल पहुँच के जद्दोजहद कर रहे हैं कि आशू के घर तक पहुँचा जाए। और मांग की जा रही है कि सिमरजीत सिंह बैंस को जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए। भारत भूषण आशू सिमरजीत सिंह बैंस का साथ दे रहे हैं, ऐसे करके पिछले कई महीनों तो मामला दर्ज नहीं होया। हुण भारत भूषण आशू बैंस की गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे। कई महीनों तो स्वाति पीड़िता जिहड़ी है पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर बैठी रही,
और मंग करती रही भारत भूषण आशू की फोटो ला के, सिमरजीत सिंह बैंस की फोटो ला के और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर की फोटो ला के पुलिस कमिश्नर के बाहर के भारत भूषण आशू के कहने से मामला दर्ज नहीं हो रहा। पर हुण मामला दर्ज चाहे हो गया पर गिरफ्तारी होनी बाकी है। और इस धरने प्रदर्शन तो बाद यह लग रहा कि जिस तरह के नाल श्रोमणी अकाली दल अज भारत भूषण आशू के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, आने वाले थोड़ी देर तक जी है वो सिमरजीत सिंह बैंस नूं पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये महिला विंग श्रोमणी अकाली दल की जोरदार प्रदर्शन कर रही है भारत भूषण आशू के खिलाफ। गिरफ्तारी की मंग, जोरदार प्रदर्शन आशू के घर के बाहर स्वाती और श्रोमणी अकाली दल की महिला विंग दे जड़ी आ इस्त्री विंग आ वो लगातार सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी की मंग कर रहे हैं। भारत भूषण आशू के घर के थोड़ी दूर इतने प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरीकेटेड तोड़न तोड़न की कोशिश की जा रही है, लगातार जद्दोजहद की जा रही है कि भारत भूषण आशू के घर तक पहुंचा जाए। पर पुलिस बल पूरी तरह तैनात है इत्थे, बस बस गिरफ्तार कर लिया, फटाफट कर, बस बस गिरफ्तार कर लिया, सारे करो करो शरण जी ढिलो
ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿਆ ਢਿੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਹੇਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ